अकाल जी डेली पोस्ट पंजाबी तुसी वेख रहे हो ते मैं गगन शुक्ला शहीद आजम सरदार भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा सिंघू बॉर्डर से मनाया जा रहा है। देख सकते हो केसरी पग्गा हाथों में झंडे लेके नौजवान पहुंचे ने अज भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा मनाया जा रहा है। हाँ जी शहीदी दिहाड़ा मना रहे जी संयुक्त मोर्चे मोर्चे की कॉल से अं नौजवान वड्डी गिनती में इत्थे पहुंचे हाँ तो अं अपने शहीदों के काज अधूरे ही पूरे कर ली अं पूरा नौजवानी लामबंद करा तो इस संघर्ष में होर तेजी न लड़ा। किन्ने क नौजवान ने जो पिछे आ रहे हैं? लगभग 3000 नौजवान अं इकट्ठा करके लिया नौजवान सभा चो तो सारा लामबंदी करके अं नौ संयुक्त मोर्चे के पूरा बजुर्गों का साथ देने लिए अं जो कहें गए भी नौजवानी टुट गई आने दसना है भी अं नौजवानी संयुक्त मोर्चे के नाल डट के खलौती रह गई। कितों चले थे तुम? अं जिला गुरदासपुर तो पिंड कलानौर तो चले जी। तस्वीर तस्वीर देख सकते हो तुम लगातार तस्वीर ने जिते कि शहीद आजम सरदार भगत सिंह का जन्मदिन शहीद बहादुर भगत सिंह का जो शहीदी दिहाड़ा अज मनाया जा रहा है। देख सकते हो सीधिया तस्वीर ने हत्था झंडे लैके शहादत शहादत जी दी है चलते हुए जड़े ने दिन मनाए जा रहे हैं। शहीद आजम भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा दिहाड़ा मनाया जा रहा है। अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का दिहाड़ा मनाया जा रहा। अज नौजवान पंजाब के वड्डी गिनती दे विच इत्थे पहुंचे आ। इस नौजवान सभा का नारा बराबर विद्या सेहत ते रुजगार सब का होवे अधिकार और अज आए आ इस करके कि जिहड़ा खेती के कानून आ जिहड़ा खेती के विचों उजाड़िया जा रहा किसानी नूं जिहड़ी 56% आबादी इत्थे निर्भर आ अज किसान दे नाल नौजवान सब तो वड्डी बेरोजगारी अंडा रहा ते असीं उहनां महान शहीदां दे वारस आ जिहड़े भगत सिंह राजगुरु सुखदेव करतार सिंह सराभे गदरी बाबियां दे असीं अज इत्थे नौजवान सारा प्रण लैणगे उन्हां शहीदां नूं प्रणाम कहणगे ते सरकार दीआं काले कानून रद्द करवाउण लई लगातार जिहड़ी उह लड़ाई जारी रखणगे हिदायत करनगे। केसरी पग्गा मन के नौजवान इत्थे पहुंचे ने सोच भी अपनाउणी पऊगी? सोच तो पहले दिन तो नौजवानों ने अपनाई हुई है। यही कारण सी जदों 4 जून में आर्डिनेंस आए थे 5 जून पहले दिन ही यह नौजवान सारे बड़ी गिनती च किसान जथेबंदियों के नाल खड़े हुए हैं तो लगातार पिंड पिंड शहर शहर कस्बे के जाके नौजवानों इन काले कानूनों के विरुद्ध लामबंद किया क्योंकि सानू पता है जिथे साडे अज किसान बाप और टिड्डो भुखे तो तनों नंगे है तो असी पढ़े लिखे नौजवान घर बेरोजगार बैठे हुए हैं तो जिहड़ी सरकार लगातार वो तमगजे मार रही है लोग नारे दे नाल पर असल दे विच इह अजिहे कोरपोरेट जिहड़े कानून लैके साडी लुट कर रही है। इस करके नौजवान जिहड़े है वह भगत सिंह की सोच के नाल किसान जथेबंदियों जिहड़े पहले दिन तो खड़े है ये तुसीं देख सकते हो वड्डी गिनती च केसरी पग्गा ये कुर्ते पजामे पाई हत्था दे विच नौजवान झंडे फड़ी नारे दे नाल पिछले 8 किलोमीटर तो सवेरे 9 बजे तो चले हुए नौजवान है। इन्हां नूं कोई तेह नहीं कोई भुख नहीं नारे लाते हुए संयुक्त मोर्चे के सदे के उपर जो सदा दिता कि नौजवान वड्डी गिनती दे विच आण ते अज नौजवान आए हैं तो जिहड़े लोग लगातार इस मोर्चे नूं फेल करन दे लई साशा कर रहे हैं असी खड़े हैं नौजवान जिहड़े नौजवान पहले दिन तो मोर्चिया दे विच चाहे वह टोल प्लाजे है चाहे वह रेलवे ट्रैक सी इन्हां कॉरपोरेट कंपनियां दे मोल सी उन्हां दे बाहर बैठे हुए सी असी उही नौजवान है जिहड़े अपने ट्रैक्टर लैके पहले दिन तो चले हैं तो 26 नवंबर में जो बड़ा काफला पंजाब तो चलिया सी असी उही नौजवान सी जिन्हां ने बैरीकेड तोड़े सी पर गल वक्री है असी सधारण परिवारां दे विचों आने हैं साडे लई इह मोर्चा जितना यह चढ़दी कला दे विच रहना जरूरी है। इस करके किसान जथेबंदियां दे जापते दे विच रह के असी लगातार मोर्चे नूं चढ़दी कला दे विच रखण दे लई लगातार जदोजहद कर रहे हैं तो जदों अज मोर्चे दे उपर पीड़ पई लगातार यह कह के भी नौजवान किधरे होर है तो असी दसना चाहते हैं ये बड़ा 2 तो 2.5 हज़ार का काफिला यह अज सिंघू मोर्चे दे विच पहुंचा है दुआबे का सारा नौजवान खड़कड़ कला दे विच पहुंचा है तो मालवे का तो हरियाणे का नौजवान टिकरी बार्डर के उपर है तो शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के सारे साथी पहले दिन तो किसान जथेबंदियों के नाल खड़े है तो आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। इस करके ये नारिया के नाल कहते आए हैं भी काले कानून रद्द करा के रहेंगे तो भगत सिंह की सोच से पैरा देवे ये भगत सिंह के सोच से उसकी विचारधारा से खड़े है। ये केसरी पग्गा के नाल कोई भगत सिंह नहीं बन जाता असल विचार है असी उस विचारधारा के उपर खड़े हैं जिहड़ी भगत सिंह तोड़ के गया तो भगत सिंह की फांसी के वेले जिहड़ा किताब का वरका उन्हें फोल्ड किया असी नौजवान उपराले
विच है, लगातार जतन दे विच है। वो किताब का पन्ना खोल के उत्तो अगली जिहड़ी इतिहास है वह लिखांगे। इस मोर्चे दे विच जिहड़ा इतिहास लिखिया जा रहा है, जे तुसी असी नौजवान इस स्टेज नूं इस प्रकार दे नाल देखदे आ कि जिते संयुक्त मोर्चे की स्टेज होवे, पहले नंबर से तख्तियां पड़ी किसान फड़े आ इन्हां काले कानूनां नूं रद्द कराउण दे लई, दूजे नंबर से भारत ते पंजाब का वड्डा पद्धर दे विच पढ़िया लिखिया बेरोजगार खड़ा है। उन्हां नूं आस है कि जदों इह मोर्चा जितिया जाएगा तो कल नूं असी रुजगार की मंग नूं लैके वड्डा इक मोर्चा खोलांगे। उहदे मगर सरकारी मुलाजम वड्डे पद्धर दे उपर खड़े है, सरकारी अदारे जिहड़े साडे बेचे जा रहे हैं उहनां दे जिहड़े मुलाजम खड़े है, इह काफला वड्डा है। इस करके सरकार नूं डर है, इस करके पिछे नूं नहीं, क्योंकि इह इक प्रकार का लैंटर देण की गल है। एक बार जदों लैंटर की देण की शुरुआत हो गई तो यह लंबे हो जाने हैं। यह चार कानून रद्द करा के अगे लंबा काफला है। इस करके मोदी सरकार ये सरमाएदार सरकार घाबरती है, पर असी नौजवान लगातार भाईचारे नूं ना लैके आखिरी दम तक मरते दम तक खड़े हैं। लगता है असी इतिहास लिखण जा रहे हैं, नवा इतिहास सिरजन वाल असी वध रहे हैं। बिल्कुल, इतिहास असी पहला भी लड़िया 1857 दे विच भी रचिया है, उस तो बाद भगत सिंह राजगुरु करतार सिंह सराभे के रूप के रचिया है। तो अज के नौजवान नौजवानों कोई टीवी के उपर होर कितने आने की कोई उत्साह नहीं, ये नौजवानों अपनी किरत के लिए अपनी रोजी रोटी के लिए लगातार जदोजहद कर रहे हैं। इस करके मोर्चे की चढ़ती कला के रखने के लिए मोर्चे की बुनियाद के बैठे हुए हैं। चाहे ये जड़े रोड़े ये नीह के सामने सामने नहीं जापते, पर यह है क्योंकि जोड़ा संयुक्त मोर्चे का जोड़ा वीड्डी दीवार चिणी गई है उसकी नींह के वीड्डी गिनती नौजवान है। ये नौजवानों यह जरूरी है, इन्हों कुछ नहीं चाहिए, इन्हों ग्लैमरस पोलिटिक्स नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, इन्हों रुजगार चाहिए, इन्हों अपना भविख चाहिए। तो जी आजाद फिजा भगत सिंह राजगुरु सुखदेव देने के लिए फांसिया के उस रस्से के उपर चुंबे है, उस आजाद फिजा आजाद रखने लिए यह नौजवान डट के लगे हुए हैं। तो जे लौड़ पी असी अपने आखिरी दम तक अपनी जाना भी देने लिए तैयार है, जिथे वड्डी गिनती च नौजवान ने ऑलरेडी दित्तियां है, तो असी खड़े हैं। सानू कोई परवाह नहीं परिवार छड़े हुए नू, पिंड छड़े हुए नहीं, पर सानू परवाह यह है कि यह मोर्चा हर हालत के डटना जितना चाहिए। किसान जथेबंदियों का यह मोर्चा हर हालत के जितना हो जितना चाहिए, क्योंकि मोर्चे ने जिहड़ा भाईचारा सिरजिया है, क्योंकि जिस भाईचारे के उपर 6 साल तो भाजपा सरकार ने हमला किया, चाहे दलता से चाहे मुसलमाना के उपर चाहे औरतों के उपर, उस भाईचारे को दोबारा तो यह बाबे नानक के मरदाने की दोस्ती के बादशाह ने दोबारा तो खड़ा किया है। अज तुसी देख सकते हो कितने कोई हमला हो रहा है, जिथे भाजपा ने 2020 भजनपुरा के उपर मुसलमाना के उपर तबलीकी जमात के उपर हमले किए, अज भाजपा का यह फिरकूबद्दी नारा पिछे नू चला गया। नौजवान तकड़े हो गए ये भाईचारक सांझ नू बना के अगे लैके जा रहे हैं, ये भाईचारक सांझ होर अगे जानी है। ये तो हजे शुरुआत है, ये जदों मोर्चा जित दे वल नू जाना फिर दसांगे भी असी नौजवान की करना चाहते हैं, साडी सोच की है, साडा टीचा की है। असी वह नौजवान है भगत सिंह की सोच वाले, सानू मच्छी की अख दिंदी है, सानू दिंदा है भी सरमाएदार धिरां कित्थे ढाईआं जाणियां, किस तरीके नाल ढाईआं जाणियां। इसे करके किसान जथेबंदियों के नाल खड़े, इसे करके किसान जथेबंदियों के बुक्कल दे विच खड़े हैं। सानू कोई घाबर नहीं, जिथे किसान जथेबंदियां खैर गिया तत्ती तवी दे कहणगियां अग दे कहणगियां, असी खड़े होवांगे मरांगे पर इस मोर्चे नूं नहीं टुटण देवांगे। की नाम की है तुहाडा? मेरा नाम धर्मिंदर। कित्थों बिलोंग करदे हो? मैं दुआबे दे विचों आ, बिल्कुल बॉर्डर तो मुकेरियां दे विचों, जिथे हरसे मानसर टोल प्लाजे ते पिछले लंबे समय तो असी मोर्चा ला के रख्या होया है। उतों लंबे समय तो असी लगातार वड्डे काफले इत्थे लै के भी आ रहे हैं, पूरे पंजाब तो लैके आ रहे हैं, तो साडा सिर्फ यही जतन है पिछे वड्डी गिनती च नौजवान शामिल रहन, क्योंकि यह मोर्चा जितना जरूरी है। निके शाशां दे विच आ के जिथे एक आरएसएस है बीजेपी है तो सियासी धिरां जिहड़ी बिल्कुल नहीं चाहती है मोर्चा दी जित दे वल जाए, क्योंकि उन्हां दी रोटियां नहीं सेकियां जांदियां। उहदे तो बाद कई होर लोग है जिहड़े नहीं चाहते भी यह मोर्चा जितिया जाए। सानू इस गल का पता, असी जानते हैं, असी पढ़े लिखे हैं, असी हर एक गल नूं जानते हैं। इस करके पूरे जाबते दे विच किसान जथेबंदियों के नाल खड़े होके असी बिल्कुल बिल्कुल शांति दे नाल तरीके दे नाल लगे। राजनीतिक लोग तो पंजाब दी नौजवानी नूं नशेड़ी कह के चले गए राहुल गांधी। देखो जे उन्हां दी रोटियां भी ता ही सेकियां जांदियां भी जो
जो नशेड़ी कहन वह सानू होर पासे पासे लैके जान चाहे लच्चर गाने दे नाल, पर अज दे नौजवान तुसीं देख सकते हो किहड़ा इन्हां तों नशेड़ी जापदा है। इन्हां नौजवानां दे विचों जे गल करनी होवे इन्हां दे आइडल 17 साल का करतार सिंह सराभा जिहड़ा पंजाब का पहला पंजाबी का पत्रकार होवे ते पहला पायलट होवे, असीं उन्हां दे वारस हैं, असीं भगत सिंह दे वारस हैं, असीं राजगुरु सुखदेव दे वारस हैं। इस करके असीं नशेड़ी नहीं, जे नशेड़ी होंदे ते इस मोर्चे नूं इत्थे तक लैके आण दे लई असीं पिछे रह जांदे, पर असीं आए हैं 26 नवंबर तो लैके जिहड़ा दिन तय किया कि किसान जथेबंदियां ने, क्योंकि 26 नवंबर नूं ही साडा संविधान होण दे विच आया सी, उह दिन नूं मद्देनज़र रखदे होए असीं मोर्चे नूं मोर्चे दे नाल उह बैरीगेड तोड़दे आए हैं। साडे नौजवानां ने नाल साडे नाल सट्टां खाधियां है, पर परवाह कोई नहीं, मेरे नाल दे मेरे जिले का 16 साल का नौजवान शहीद होया है। इस करके असीं उसकी शहादत नूं समर्पित नाल जथेबंदियां दे खड़े हैं, क्योंकि जिहड़ी उस दिन उसकी सोच सी वह इस किसान जथेबंदियां का मोर्चा जितना सी, ना कि कोई होर। बहुत मेहरबानी, सो तस्वीरां लगातार दिखाई आ कि किस तरह का जिहड़ा इह भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ा प्रोग्राम है वह किया जा रहा है। गलबात करते हैं, केसरी चुनिया लैके पहुंचे हो जी, ਤੁਸੀਂ ਭਾਣਜੇ ਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸੀਨੀਆਂ 'ਚ ਛੇਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਾ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਲਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਨ 1931 ਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸਿੰਘੂਵਾੜ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਟੋਨੀ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ।